हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि मैंने अपने गाड़ी में क्या क्या एक्सरसाइज लगवाई है एक्सटेरियर में और इंटीरियर दोनों की तरफ मैंने कौन से कौन से एक्सरसाइज लगवाए हैं एंड uh, मैं इसके साथ प्राइस भी uh, शेयर करूंगा लेकिन वो प्राइस वेरी कर सकता है आप जहाँ से लेते हैं शोरूम से या फिर मैंने यहाँ से लिया है क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट अगेन शोरूम टू तो शोरूम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही होता है तो प्राइस को आप फिक्सड मत मानना प्राइस आप देख लेना लेकिन इसका जो लुक एंड फील है लगाने के बाद वो कैसा दिखता है और इसमें से कौन सा जो एसेसरीज़ है वो मुझे अच्छा लगा नहीं लगा वो भी मैंने मतलब कि दिखाते वक्त बताया है तो वीडियो को देखिए एंड तक और कुछ भी आपको डाउट है किसी असेसरीज़ का तो प्लीज़ आप कमेंट करो मैं उस एसेसरीज का प्राइस बेस प्राइस बता सकता हूँ बाकी आपके सीएम में थोड़ा उन्नीस बीस तो ऊपर नीचे होगा ही तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पहले दिखाते हैं एक्सटीरियर के एसेसरीज़ तो फ्रंट में अगर देखें तो फ्रंट में अपर ग्रिल एप्लिक मैंने लगाया है जिसका जो कॉस्ट है वो नाइन नाइन्टी रुपीज़ है ठीक इसके नीचे मैंने नंबर प्लेट के जो गार्ड्स होते हैं कवर्स होते हैं उनको लगाया है जो कि फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए होते हैं इसका जो कॉस्ट है वो फाइव फिफ्टी रुपीज़ है फ्रंट में और कुछ काम नहीं करवाया मैंने अगर साइड में आए तो ये है व्हील आर्च क्रोम या फिर व्हील आर्च एप्लिक क्रोम कहते हैं जिसका जो प्राइस है वो लगभग सोलह सौ है इसके बाद फ्रंट साइड uh, में अगर हम नीचे देखें तो मड फ्लैप्स लगी है ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी तो इसका प्राइस मैं नहीं डाल रहा हूँ पर आई थिंक ये दो हजार के अंदर ही आ जानी चाहिए उसके बाद मैंने क्रोम डोर हैंडल्स लगाए हैं ये बारह सौ रुपए की पड़ी है चारो डोर के ठीक इसके नीचे अगर आप देखें तो डोर प्रोटेक्टर मैंने लगाया है ब्लैक एंड क्रोम का जिसका कॉस्ट है थ्री नाइन्टी रुपीज इसके अलावा मैंने वाइजर्स लगवाए हैं जो कि क्रोम के हैं इसका जो कॉस्ट पड़ा है वो मुझे पड़ा है सत्ताइस सौ रुपए इसके साथ ही मैंने रूफ रेल्स लगवाए हैं जो कि केमेस्ट्री में नहीं आता है तो इसका जो कॉस्ट पड़ा है वो है चार हजार नौ सौ रुपए और इसका जो पेस्टिंग वो बहुत अच्छा है अगर बैक साइड में आए मतलब रियर में तो मैंने स्पॉयलर लगवाया है स्पॉयलर का जो कॉस्ट पड़ा है मुझे वो पड़ा है आठ हजार रुपए क्योंकि इसमें पेंट का काम भी होता है इनका कोई भी बॉडी होता है वो ब्लैक है उसको पेंट करते हैं इसके अलावा मैंने रियर में कनेक्टेड डी आर एल लगवाया है इसका जो कॉस्ट पड़ा है वो 9000 के आसपास पड़ा है मुझे इसका एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं पर 9000 के आसपास ही पड़ा है फिर यहाँ मैंने कैमरा लगवाया है कैमरा लगवाने का जो कॉस्ट है वो है चार तो बाहर से मैंने इतना ही काम करवाया दोस्तों तो अगर डोर ओपन करें तो आप देख सकते हैं मैंने स्कफ प्लेट्स लगवाए हैं जो कि इल्यूमिनेटेड है इसका जो प्राइस है वो है उनतीस सौ और ये चारों डोर के नीचे है पीछे वाला थोड़ा छोटा है अगर आप सामने की तरफ जाओ तो इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा है उससे इसके अलावा मैंने सीट्स लगवाए हैं इसका जो कॉस्ट पड़ा है वो ग्यारह हजार छः सौ पड़ा है इसके अलावा आपको व्हाइट कलर का भी है ऑप्शन लेकिन मैंने ग्रे ही ग्रे तो नहीं है ये स्लेटी ग्रे बोल सकते मतलब डार्क है इसके अलावा मैंने थ्री डी मैट्स लगवाए हैं थ्री डी मैट्स का कॉस्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा बट मैंने कंपनी से हैं तो चार हज़ार पाँच सौ पड़ा सो so, ये कुछ एक्ेसरीज थी जो मैंने अभी तक लगवाया है इसके अलावा भी मैं कुछ एक्सरीज मुझे चाहिए जो कि अभी तक शोरूम अवेलेबल नहीं है छः महीना हो चुकी है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ किसी और शोरूम से लगवाने के लिए तो वो जैसे लगता है भी मैं आपको बताता हूँ लाइट्स अपग्रेड करूंगा या नहीं ये भी मैं वीडियो तब बताऊंगा जब पहले मैं आपको लाइट का एक वीडियो दिखाता हूँ कुछ दिन चलाता हूँ अगर मुझे सच में रियल में इशू आया चलाते वक्त तब लाइट अपग्रेड करेंगे फॉग लैम्स वगैरह सब कुछ करेंगे और सबका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड uh, इसके बाद जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो है डैश कैम के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्स जो भी थ्री एक्सो के लिए क्योंकि इसके जो फ्रंट में है वो uh, जो 12 वोल्ट का बैटरी का जो कनेक्टर होता है वो नहीं है पीछे है तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे इसके बारे में बात करेंगे तो अभी के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में